हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज ब्लॉग शूट कर रहे हैं, मतलब कुछ तो न्यू हो रहा होगा तभी ब्लॉग शूट हो रहा है। तो आज क्या न्यू होगा ट्रेनिंग में, तो उसके लिए देखते रहिए आगे। फिलहाल हम हो गए हैं तैयार, हम ऐसे ही जाते हैं और जा करके अब चलते हैं पहले ट्रेनिंग पे नासिक, और वहाँ जा करके बताते हैं आगे कि क्या क्या होने वाला है। तो रोज की तरह आज भी मौसम का हाल बेहाल है, धूप और गर्मी से पूरा मौसम गर्म पड़ा हुआ है। और ये रही हमारी बाइक जो कि रोज़ बोलती है हमें धुलवा दो, हमें धुलवा दो, लेकिन ना हमको टाइम मिल रहा है या डिले भी कर देते हैं कभी कभी। देखते हैं कब धुलाता है, मेरा बाइक बहुत गंदा हो गया है। तो बहुत हो गई म्यूज़िक, अब तैयार होना है, तो जल्दी से तैयार होकर चलते हैं क्लास। ये हो गए हम तैयार, अब चलते हैं देखते हैं क्लास मैच क्या क्या हो रहा है, किस चीज़ की क्लास हो रही है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज चंद्रयान 3 मून पे लैंड करने वाला है, तो इसी से रिलेटेड आज हम लोगों की क्लास में भी एंड में कुछ होने वाला है। तो देखते हैं, क्लास व्लास ख़त्म करते हैं आज का। कुछ क्लासेस बोरिंग होती है, कुछ इंटरेस्टिंग, अभी फिलहाल कुछ लोगों के लिए बोरिंग क्लासेस चल रही हैं और मेरे लिए भी सेम ही। क्लास में काफ़ी टाइम हो चुका है, सबको इंतज़ार है चाय वाले भैया का, क्योंकि अब जैसे ही चाय आएगा और तभी होगा टी ब्रेक। और हमारे आ गए चाय वाले भैया सर के लिए चाय लेकर के, अब जल्दी से हम लोगों को भी टी ब्रेक मिलेगा। थोड़ा सा ब्रेक मिलता है तो फिर क्लास करने में थोड़ा मज़ा आता है, नहीं तब एक कंटिन्यू क्लास बोरिंग हो जाती है। होगा हमारा टी ब्रेक। तो टी ब्रेक हो चुका है, सभी लोग इधर से उधर अब जाने के लिए रेडी हैं, लेकिन ये मेहनती इंसान, इनको मिला है क्विज बनाने का जिम्मा, ये लगे पड़े हैं क्विज बनाने में। देखो भाई, मेहनत करना है तो ऐसे करो शिद्दत के साथ। टाइम कितना हो गया मेरा, अब जलता क्यों नहीं है, क्या चल रहा है, दिखाओ ना ऐसे करके। 11:43 में हुआ टी ब्रेक। तो आज टी ब्रेक में थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि सर को भी पढ़ाने में मज़ा आ रहा था और हम लोगों को भी सर की स्टोरीज सुनने में मज़ा आ रहा था। तो वीडियोज़ के इस दो क्लिप के बीच में काफ़ी टाइम गुजर चुका है, हम लोगों का क्लास ख़त्म हो चुका है, हम लोगों का लंच ख़त्म हो चुका है, और लंच करने के बाद अब हम लोग चले मस्ती करने। मैं भी खेलूँगा दोस्त। आप देखो, फुटबॉल के वीडियो की तरह यहाँ पर भी आके सेम कमेंट मत करना कि आप नूब हो, आपको खेलना नहीं आता। तो आप लोगों को बता दें ऐसे लोगों को कि हम टेबल टेनिस यहाँ ट्रेनिंग में भी, हमको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन खेले होंगे, इससे पहले हम टेबल टेनिस को कभी भी हाथ नहीं लगाएं। तो जैसा खेल रहे हैं उसी में मज़ा आता है, दोनों कमेंट आपको नहीं आता, हमको पता है हमको नहीं आता। तो गेम का लुक तो ताओ या थोड़ा स्किप कर लो, और आई बटन पे फुटबॉल वाली वीडियो का लिंक है, मन करे तो जा कर के देख लो, और हम मिलते हैं आप सीधा क्लास में। तो आज के वीडियो में विपुल भैया का योगदान एक जरा भी नहीं है, ये सिर्फ भाव खाए हैं। तो कमेंट में इनके लिए दो शब्द जरूर लिखें। तो अब हो रहा है सीधा छुट्टी का टाइम, हमारा क्लास खत्म होने का टाइम आ रहा है, तो चलिए चलते हैं। और क्लास हो चुका है ख़त्म, फटाफट सब लगे पड़े हैं अपना साइन मारने में, क्योंकि साइन मार के बहुत लोगों को घर जाना है, लेकिन हम लोग तो रुकने वाले हैं। क्यों रुकने वाले हैं, इसी चीज़ के लिए तो वीडियो बना रहे थे। ए दादा, क्या रुकना है, रुकना है, ये कंटेंट बन रहा है भाई का। तो आज का प्रोग्राम ये है कि चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग लाइव दिखाई जाती है वो हम लोगों को हमारे हॉल में यानी कि ऑडिटोरियम में दिखाई जाएगी, और हम लोग यहाँ पर बैठ के बिग स्क्रीन पे बिल्कुल सिनेमा हॉल के इस तरह एक चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखेंगे, और आई होप कि लैंडिंग सक्सेसफुल रहे। चलिए देखते हैं आगे। आज विपुल कुमार शर्मा हम लोग को दिखाएंगे चंद्रयान 3 की क्या बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। भाई इधर देखो, हाथी लाओ। हेलो, आइए सर जल्दी, आपका इंतजार था। तो शिव शंकर भी आप बताएंगे कि हम लोग यहाँ क्या करने रुके हैं आज। आज जैसा कि आप लोग जानते होंगे, चंद्रयान 3 और चंद्रमा पे आज लैंड करने वाला है सॉफ्ट लैंडिंग, जो 6:04 पे है। तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, स्क्रीनिंग होने वाली है लाइव
टेलीकास्ट हम लोग देखेंगे, सारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। और जैसा कि मैं तो ऑलरेडी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इंडिया का, क्योंकि मैं दो बार डिफेंस में रह चुका हूँ, तीसरी बार है कस्टम में। टोपी तो भी इंडिया का पहना है, इंडिया का देखिए टोपी भी है, इस पर फ्लैग भी है। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को भी, आप लोग भी टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट देखिए। जैसा कि सुशांत जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप लोग बात कर सकते हैं इनसे। खतरनाक। हे बॉयज, आओ बॉयज। हे बॉयज, बताइए कुछ क्या करने बैठे हैं आज हम लोग। सो वी हैव असेंबल्ड हियर टू विटनेस द सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ आर चंद्रयान 3 ऑन द सदर्न पोल ऑफ मून, वेयर नो कंट्री हैज एवर ट्राइड टू लैंड इट्स रोवर। सो दिस इज द फर्स्ट, इफ टुडे इट गोज वेल देन इंडिया विल बिकम द फर्स्ट नेशन टू बी ऑन द सदर्न पोल ऑफ मून। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। ये शुरू हो गया हम लोगों का लाइव टेलीकास्ट पूरा सिनेमा हॉल के। तो हमको लग रहा था कि बहुत लोग चले गए हैं, बहुत कम लोग बचे हैं, लेकिन एक एक करके जब सीधे सब आने लगे तो फिर हम लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। और काफी लोग हैं, सभी रुके हुए हैं यहाँ पे आज इस मोमेंट का लुत्फ उठाने के लिए। सो वी आर हियर टू विटनेस दिस हिस्टोरिक इवेंट। आई होप कि आज का चंद्रयान 3 का लैंडिंग सक्सेसफुल रहे और हम लोगों का ये देखना भी इस तरह सफल हो जाए और एक यादगार पल बन जाए। तो सभी पूरे जोश में हैं और आज स्पेशल थैंक्स टू जिन्होंने ये आइडिया सर को दिया, और सर का भी थैंक्स इफ्तिकार सर जो हम लोगों को ये मौका देने के लिए तुरंत तैयार हो गए। At the end of the translunar 2023 को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया। 800 न्यूटन के चारों तरफ। तो चलिए अब फोकस करते हैं लैंडिंग पे और इधर की बातें करते हैं। बनो इस ऑर्बिट में 4 दिन तक चंद्रमा की। तो ऐसे ही अभी कुछ हम लोगों को नॉलेज दिया जा रहा है कि किस तरह से ये गया था, कैसे लैंडिंग होने वाली है, इसमें क्या क्या मेहनत लगा, कैसा कैसा इन लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया है, क्या क्या इसमें पार्ट्स लगे हुए हैं। और ये सब अगर आप चाहें तो अभी भी आप इसरो लाइव चैनल पर जाकर के, ये सेव वीडियो है, अब लाइव नहीं है लेकिन ये सेव्ड है, आप जाकर के इसको देख सकते हैं पूरी। और कहेंगे कि देखें ही, क्योंकि इससे आपका नॉलेज ही बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि कितना एक छोटी सी, हम लोगों को सुनकर लगता है कि एक लैंडिंग हो रहा है, ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन इसमें कितना मेहनत और कितने लोगों का क्या क्या दिमाग लगा रहता है ये आप लोगों को पता चलेगा। पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेगवान ड्यूरिंग द नेक्स्ट फेज व्हिच इज गोइंग टू बी द एटीट्यूड होल्ड फेज। तो अब सिर्फ चंद्रयान 3 को जमीन से, मतलब चांद की जमीन से सिर्फ 29 किलोमीटर की दूरी पे है और धीरे धीरे अपना वो स्पीड घटा रहा है, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। पहले वो तिरछा आ रहा था, वो धीरे धीरे सीधा हो रहा है, ये हम लोगों को दिखाया जा रहा है। तो ये तालियां इसलिए बज रही हैं क्योंकि ये चंद्रयान 3 था, वो पहले तिरछा था, वो अब पूरी तरह से सीधा हो चुका है और वो जमीन से बस 800 मीटर की दूरी पे है और वो धीरे धीरे अब नीचे आ रहा है। तो ये सक्सेसफुल लैंडिंग का एक चरण पार हो चुका है। निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। Going on, and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। And we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering and now we are approaching the moon surface. बहुत ही उमदा, द हार्ड वर्क ऑफ द एंटायर इसरो कम्युनिटी हैज कम टू यस ऑन द मून। जब हम अपनी आंखों के सामने
कितने देर में है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं भारत माता के जय वंदे मातरम वंदे मातरम जय हिंद जय हिंद भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम अंग्रेजों भारत छोड़ो अरे भाई जरूर अरे एज इट इज राइटली सेड Some countries have, some nations have moon on their flags, but here comes the daddy, that is India. We have, yeah, we have the flag on moon. On the moon. Yes. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. तो चलो वीडियो हो गया चंद्रयान सीन खत्म. राकेश जी कुछ बोलेगा? अरे यार क्या आदमी है. सबको वीडियो चाहिए. चंद्रयान तो खत्म हो गया भाई. आज ब्लॉगर वाला फीलिंग आ रहा है. ट्राइपॉड निकाले हैं तो एका हो गई. भाई साहब घर कैसे जाएंगे? तो जब तो चल हो रही है बारिश, सब कुछ देर यहाँ पे वेट करना होगा. तब तक आप लोग कुछ दे देते हैं थोड़ा सा ज्ञान. सबको ये आदमी को थैंक्स बोलो. आइडिया ही नहीं का था. तो वीडियो हो चुका है खत्म और अब बारी है थोड़े से ज्ञान की. तो जैसे कि चंद्रयान 2 फेल हो गया था, तो चंद्रयान 2 में क्या क्या गलतियां हुई उसको इसरो ने पूरी अच्छी तरह से देखा. फिर चंद्रयान 3 में उस गलतियों को सुधारा गया और फिर चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल लैंडिंग कर दिया गया. उसी तरह हम लोगों को भी अपने लाइफ में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, बिजनेस हो, पढ़ाई लिखाई हो या जो भी हो, आपको जैसे मेरे ऑडियंस खास करके जो है वो एस्पिरेंट्स हैं, तो आप लोगों को तो फिलहाल एग्जाम ही है मेन. तो जैसे किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो आपको वहां पे सुस्त होकर शांत होकर बैठ नहीं जाना है. आपको अपनी गलतियों को खुद से देखना है और पहचानना है उनको, और उन गलतियों को पहचान के उन गलतियों पे काम करना है और फिर अगले कोशिश में लग जाना है. तो आखिरकार आपको भी सफलता मिल ही जाएगी, हमको भी मिल गई उसी तरह. तो चलिए ज्ञान बहुत हो गया. बाय बाय. पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और अगला स्लाइड शो देखते जाना. बाय बाय.